व्यापारियों के लिए तो शायद इन मेयर से तो हमें उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य में जो मेयर हो वो एक अच्छा और एक पढ़ा लिखा। अटल पार्क के सामने फुटओवर भी बनना चाहिए जिससे कि रामनगर की साइड से भी लोग आराम से आ जा सके। मनीष दसिया जैसे ही कोई मेयर एक ऐसा आए तो उनके नगर पालिका के सामने उनकी रोड टूटी डली हुई है, तो उनको कैसे कहते हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है। बाहर का नागरिक यहाँ का आके मेयर बनने के बाद बाहर चले जाते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, शहर का ही नागरिक को शहर की जनता उनको अच्छी तरह जानती है। दिखावा कर दिया और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता उसका क्या हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA में एक बार फिर। आज हम अटल पार्क में हैं और यहाँ पर हम आम जनता की राय जानेंगे कि आम जनता की नजर में इस बार का मेयर कैसा होना चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ध्रुव जी, क्या लगता है आपको कि इस बार मेयर कैसा होना चाहिए, कैसा मेयर चुनेंगे आप? मेयर तो ऐसा चुनना चाहेंगे फिरोजाबाद शहर का विकास हो जी। फिरोजाबाद शहर में जो कार्य हैं, जो फिरोजाबाद शहर की जो जरूरत है वो सारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जनता की समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य बंसल। आदित्य जी, कैसा चाहते हैं मेयर? मेयर वैसे ही चाहते हैं जैसे कि जनता हमारी जितनी परेशान रहती है, आज गली नाली साफ नहीं होते हैं, जमीन सड़कें हमारी जो नहीं बनी है उनका कार्य पूरा कर रहे हैं, ऐसा ही मेयर हम चाहते हैं अपने फिरोजाबाद जी। लौट कर आएंगे आपके पास। क्या नाम है आपका? राकेश मूड़ोतिया। राकेश जी, क्या लगता है आपको कि कैसा मेयर आप चाहते हैं इस बार? मेरे हिसाब से सर्वप्रथम तो सत्य, प्रेम और करुणा, ये तीनों का उसमें आंशिक रूप से आचरण करने वाला हो, राम राज्य की उसमें पूरी निष्ठा हो, ये सब चीजें होंगी तो वो सभी प्रकार से काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सत्य होगा तो सत्य बोलेगा, प्रेम सबसे करेगा, करुणा होगी तो जो भी काम है सब अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, आपका सर क्या नाम? अतुल अग्रवाल। अतुल जी, कैसा मेयर चाहते हैं? मेयर ऐसे चाहते हैं शहर का विकास होना चाहिए और सुनवाई होनी चाहिए, शहर की जो समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए, ये ऐसे चाहते हैं। इस बार कई सारे शिक्षाविद जो हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, एजुकेटेड हैं, तो कैसा आप चाहते हैं कि और भी कई लोग हैं, कई तरह के कुछ व्यापारी बंधु हैं, कुछ तमाम तरह के लोग हैं जो इस बार प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरीके का राकेश जी आप मेयर चाहते हैं इस बार? पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए जो 24 घंटे जनता की सुन सके, और निष्ठावान होगा तभी काम अच्छी तरह से हो पाएंगे। कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ शिक्षक हैं, तो उन्हें उनका भी हक है लड़ने का, लेकिन उन्हें सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण रूप से जनता के लिए निष्ठावान हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, व्यापारियों के लिए क्या वर्तमान में जो मेयर है उन्होंने कुछ सोचा या नहीं सोचा, या फिर अगली मेयर जो आप चाहते हैं वो चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए कुछ करे? व्यापारियों के लिए तो शायद इन मेयर से तो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन आगे देखिए शायद कोई अच्छा मेयर आए तो वो सोच सके। क्या कुछ ज़रूरतें हैं जो व्यापारियों से संबंधित हैं और जो उनको करनी चाहिए? नहीं, व्यापारियों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना ही एक मेयर का काम है। आज हमारे शहर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है, ना देखा गया है ना समझा गया है, तो इसके लिए तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य में जो मेयर हो वो एक अच्छा और एक पढ़ा लिखा और एक ईमानदार मेयर जी। तो ये जनता की राय है, बाकी और भी आगे जानेंगे हम कि क्या लोगों की राय है और क्या कुछ लोग सोचते हैं। यहाँ पर एक बैठे हैं सर, एक मैं डिस्टर्ब कर लूँ आपको जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। गुप्ता जी, कैसा मेयर चाहते हैं इस बार आप? मेयर तो ये शहर का विकास होना चाहिए ना जी, बस ही और क्या है। शहर का प्रथम नागरिक होता है तो किस तरीके का नागरिक होना चाहिए? वैसे अभी भी मेयर साहब चल रही है, मिथन काम सही किया है उन्होंने जी, इसी टाइप से होना चाहिए ना जी। बस इस समय आप जिस अटल पार्क में बैठे हैं ये भी उन्हीं की देन है। देखते हैं, वो आती हैं देखने के लिए, नेचर करती हैं उनका, आती हैं। बुजुर्गों के लिए कुछ सोचा भैया? के लिए चलो करना चाहिए उनको, बुजुर्गों के लिए भी कुछ आ जाओ। यहाँ कुछ हमारे युवा वृद्ध हैं तो आपसे जानेंगे कि इस बार शहर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभव आप लोगों को है,
तो इस बार शहर का जो महापौर हो, जो प्रथम नागरिक हो, वो कैसा होना चाहिए? विकास तो खूब हो ही रहा है, विकास में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम पब्लिक की भी सुनने वाला। अच्छा, आम पब्लिक की सुनने वाले यहाँ लोग कम है। अच्छा, फोन पेपर तो हो जाता है कि हाँ साहब ये काम सड़क बन गई, बनती नहीं, बनती नहीं। जी, वास्तविकता है, हमारे डॉक्टर साहब है अभी जब ये मतलब SRKS डिग्री से रिटायर हुए हैं जी, इनकी जो वक्तव्य है वो अच्छा सत्य है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत विकास किसी का नहीं हो रहा है। उन्होंने एक पार्क ये बना दिया अटल पार्क, चलो हम जैसे वृद्धजनों के लिए कुछ सुविधा कर दी। मैं चाहता हूँ कि शहर में जो सफाई और वो पानी की व्यवस्था है, आज भी आप इंटरनल एरिया में जाएंगे तो जगह जगह कूड़े आपको ढेर आज भी मिलेंगे, जबकि उन्होंने उनको कंपनी को लगा रखा है कूड़ा इकट्ठे करने वाली, वो भी जो है उसको सीरियसली उसको नहीं ले रहे हैं कोई। तो मैं तो ये महापौर जो आगामी ये महापौर हो वो इस तरह का हो कि मतलब जमीन से उठ कर के लोगों का भी थोड़ा सा नेक उत्थान करें। आपको क्या लगता है सर? प्रयास तो सही है, उसके जिम्मे कर रही हैं, लेकिन प्रयासों में कहीं कहीं अड़चने पता नहीं कौन से आ जाती है। लोगों के द्वारा कराने के लिए दिखावा कर दिया और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता उसका क्या हुआ, ऐसी हैं। और वैसे तो ठीक ही चल रही है व्यवस्था, इस बार कैसा होना चाहिए? इस बार ऐसा होना चाहिए जमीन से जुड़ा हुआ हो, और जमीन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। मेरे विचार से तो ऐसा कोई यही पार्टी प्रश्न होगा महिला या पुरुष, और वो तो खैर कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। कार्य की क्षमता कोई डिपेंड नहीं करती है, पुरुष है या मतलब जो है महारानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों को लगा दिया और हमारे जो ग्वालियर के नरेश जो पीछे हट गए, तो स्त्री और पुरुष उसमें कोई साहब जो माने नहीं रखता। कार्य करने की क्षमता हो, जमीन से जुड़े हुए लोगों का जो है बड़ा काम करे, नया होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। अनुभवी होगा तो वो ज्यादा खतरनाक होगा मेरे विचार से, व्यक्तिगत विचार। वो खाया पिया होगा पहले से, नहीं तो खाया पिया होगा तो उसे आदत पड़ जाएगी, उसकी डाढ़ में वो लग जाएगा। वो खाया पिया होगा, वो सोचेगा, नया होगा तो सोचेगा मेरा भविष्य उज्जवल हो, तो उसको देखते हुए वो शायद संयम से थोड़ा सा कार्य करे। युवा होना चाहिए या प्रौढ़ होना? युवा होना इस बात का मैं अच्छा से मतलब सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि युवा ही होना चाहिए। 30 और 50 के बीच का कोई व्यक्ति अंधेर बनता है तो वो ज्यादा कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आइए कुछ और लोगों से भी मिले। तो जी आप किस चैनल से? दिव्यांशु शिवराज वर्मा। वर्मा जी, किस तरीके का मेयर इस बार होना चाहिए? मोबाइल में सर क्या होना चाहिए मेयर इस बार, किस तरह का? बढ़िया बहुमुखी होना चाहिए, जो विकास कार्यों में ज्यादा रुचि ले। इसके अलावा वर्तमान में भी मेयर है, उन्होंने भी विकास किया है? हाँ, उन्होंने भी विकास किया है, कोई दो राय नहीं है, अच्छा विकास वो भी कर रही है, लेकिन अगला वाला भी इसी तरीके से रहे जो ज्यादा विकास करे। महिला पुरुष कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, युवा या प्रौढ़? युवा या प्रौढ़ नहीं, युवा होना चाहिए जो ज्यादा दौड़ भाग कर ले। अनुभवी या नया? अनुभवी या नया? अब देखो अनुभवी ही जो रहे वो शहर को चला पाएगा, नया नहीं चला पाएगा। एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर एक होता है, तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं चला पाएगा। वर्तमान में जो मेयर है वो भी नहीं थी, हाँ उनको भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसे टाइम लग जाता है। अगर अनुभवी है तो वो अपना कार्य काम करता रहेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा हो गए तो उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उनका रूटीन वर्क में वो करते रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर कोई अनुभवी है तो उसको फिर टाइम नहीं लगेगा शहर के विकास में, वो तो अपना करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कुछ और लोगों से भी मिलें। हाँ सर, इधर ये कुछ युवा हैं, अभी तक हमने वृद्ध लोगों से, वृद्ध जनों से बात करी और कुछ अनुभवी लोगों से बात करी, फिलहाल युवाओं से बात करते हैं क्योंकि युवाओं की विचारधारा कुछ अलग होती है। सर, किस तरह का मेयर चाहते हैं इस बार? इस बार का मेयर ऐसा हो जो जैसे हमने सुना है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, पर स्मार्ट सिटी ऐसा अभी लगता नहीं कुछ, क्योंकि बाहर से भी कोई लोग आए तो वो कहें कि भाई कि फ्रोयाल शहर में आके हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ जब सड़कों पे निकलते हैं एकदम क्लीन रहती है, और जैसे जो अतिक्रमण होते हैं जैसे ठेले वगैरह होते हैं उनका भी एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए, जिससे कि कोई भी बाहर से आए या हम ही खुद यहाँ पे जो रहते हैं तो उनको भी लगे कि हाँ कि नाउ वी आर लिविंग इन अ गुड सिटी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सेम है कि अगर मेयर अगर जो भी हो, नया हो, अच्छा हो, अनुभवी श्योर होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुभवी के तौर पर वो कार्य अच्छे से कर सकेगा, जन लोगों की सुनवाई को भी अच्छे से रख सकेगा, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं गली मोहल्लों में, पार्षदों के तौर पे उनका भी संशोधन अच्छे से कर सके, और पार्षदों और मेयर के बीच में कभी किसी तरह का
अच्छे से तालमेल रहना चाहिए, जो असमंजस स्थिति में भी एक दूसरे को समझ सकें और लोगों की जन समस्या को सॉल्व कर सकें। जी सर, क्या नाम है आपका? सुनील राठौर। राठौर साहब, कैसा मेयर चाहते हैं इस बार? मेयर अच्छा होना चाहिए और जो काम करे, और मेयर साहब ने भी अच्छा काम किया है। जी, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, कूड़े की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, टूट टूटे कूड़ा उठा उसका बहुत अच्छा कार्य है, और कुछ भी काम बाकी रह गए वो भी होना चाहिए इस बार। सर, क्या क्या समस्याएं देखते हैं इस समय आप फिरोजाबाद? समस्याएं जिनको नया मेयर रिजोल्व करे, नया मेयर रिजोल्व करने के लिए काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। पार्षद और मेयर के बीच में तालमेल नहीं बन पाता है, तो वो सबसे पहली चीज़ है कि पार्षद और तालमेल मेयर के बीच में तालमेल बना रहना चाहिए, जिससे कि शहर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं गंदगी को लेके और आपकी छोटी मोटी जन समस्याओं को लेके, वो अच्छे से रिजॉल्व होनी चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। इट डजंट मैटर महिला है या कोई अच्छा काम करे या पुरुष अच्छा काम करेगा, इट डजंट मैटर। युवा युवा या प्रौण? मेरे हिसाब से अगर प्रौण हो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि प्रौण को क्या होता है वो उसको एक तरह का अनुभव होता है कि उसे सबका नॉलेज होता है कि अगर युवा की वर्क के हिसाब से भी सोच सकता है, प्रौण के हिसाब से भी सोच सकता है, बट युवा प्रौण के हिसाब से नहीं सोच सकता। जी चलिए आइए सर, क्या नाम है? एक मुझे लग रहा है अटल पार्क के सामने फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, जिससे कि रामनगर की साइड से भी लोग आराम से आ जा सके। अच्छा अच्छा, इतने दूर से। और उसके अलावा शहर में और क्या चीजें देखते हैं जो होनी चाहिए अभी? अब देखिए, जैसे अतिक्रमण लग जाता है इनके लिए उपयुक्त स्थान निस्तारित किया जाए, जिससे कि आने आने वालों को जाम न लगे। बस आप कोई अन्य समस्या देखते हैं फिरोजाबाद में जो होनी चाहिए अभी? आज को विकास तो बहुत करा रही है, मेयर साहब बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने, को तो यही मेयर साहब चाहते हैं कि ऐसा ही विकास और आगे बढ़े। यही हम चाहते हैं, मतलब हमारे फिरोजाबाद का विकास तेजी से बढ़े, में ध्यान दिया जाए। ठीक, धन्यवाद, आइए और लोगों से मिले और उसके बाद बातचीत करते हैं। मेरा नाम मनीष अलंकार है। जी अलंकार जी, क्या चाहते हैं आप इस बार का मेयर कैसा है? शहर का मेयर जो होना चाहिए, शहर के विकास के कार्यों को अपना अंजाम दे सही तरीके से, बिना किसी भेदभाव के। जैसा कि हमारे मनीष असीजा जी जो यहाँ विधायक थे, पहले आज से पहले मेयर थे, जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने शहर के जो विकास किए थे वो लोग आज भी याद करते हैं। तो हमारी भी एक ऐसी आशा है कि मनीष असीजा जी जैसा ही कोई मेयर एक ऐसा आए जो कि रात दिन अपनी कोई जिम्मेदारी दी गई है कि मेयर पद की, उसको जनता के लिए अपने समर्पित रहें और काम करते रहे। वर्तमान में जो महापौर हैं, क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? ठीक किया, इसको जगह बहुत अच्छा किया। ऐसा तो प्रतिशत आप उनके कार्यों से संतुष्ट? 50-50, क्योंकि मैंने नोटिस किया, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं अपने घर से, तो उनके नगर पालिका के सामने उनकी रोड टूटी डली हुई है, तो उनको कैसे कहते हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है उस रोड को, तो वो स्मार्ट रोड बना रहे हैं। अब वो बना रहे हैं, अब बना, देखिए मैंने आपसे बोला बना रहे हैं, बनाएंगे जब पूरा कांटा समाप्त हो गया। मैं कह रहा हूँ अभी तक मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, शहर की और भी रोडें बन रही हैं, लेकिन आप अपने घर के आगे रोड नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूँ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया शहर के ऊपर। आप कई सारे शिक्षाविद इस बार मैदान में, क्या लगता है? मैं समझता हूँ कोई एक ऐसा थोड़ा उम्र दराज आदमी आए, तो आए जो शहर को भाली भांति जानता हो, शहर से परिचित हो पुराना, तो शहर की जो भी कमियां होती हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको भाली भांति जानता होगा, वही कार्यों को अंजाम दे पाएगा सही। शहर का ही नागरिक होना चाहिए जी। शहर करीब 150 से ज्यादा लोग भाजपा में आवेदन कर चुके हैं और 10-12 लोग करीब सपा में आवेदन कर चुके हैं, 3-4 लोग आप में भी आवेदन कर चुके हैं, बसपा में भी हैं कुछ लोग, तो क्या आपको लगता है इनमें से किस तरीके का प्रत्याशी आप चुनेंगे? सबसे पहले तो वो शहर का ही नागरिक हो, ठीक है, बाहर का नागरिक यहाँ का आकर मेयर बनने के बाद बाहर चले जाते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, शहर का ही नागरिक हो, शहर की जनता उनको अच्छी तरह जानती हो, जिससे कि आदमी अपनी समस्या लेके जाए तो वो सामने वाला उसका निदान करे। जी बढ़िया नागरिक होना चाहिए जी। तो महिला या पुरुष? पुरुष होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, ठीक है। युवा या प्रौढ़?
तजुर्बेकार होना चाहिए, तजुर्बेकार होना चाहिए। वर्तमान में जो महापौर है उनके कारण से कितना प्रतिशत आप संतोष? 50-50। और लोगों से जानते हैं मेयर ऐसा हो जो हम लोगों को पार्क वार्क सबकी व्यवस्था रखे, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे, पानी की व्यवस्था देखे, सड़कें वड़कें अच्छी होनी चाहिए। जी, ये तो कर्तव्य है उनके, तो उन्हें करने ही चाहिए। हाँ, तो यही होना चाहिए। और हम लोगों को क्या चाहिए जी? वर्तमान में जो मेयर है उनके कार्यों से कितना प्रतिशत आप संतोष? ठीक है, औसत है, औसत है। सर, वर्तमान मेयर से कितना प्रतिशत संतोष? 50% के आसपास। 50%। उन्होंने काम करने की तो कोशिश करी है, शायद अनुभव की कमी ऐसी भी ऐसा नहीं हो। बढ़िया, इस बार कैसा चाहते हैं? उनसे बढ़िया चाहते हैं, अनुभवी व्यक्ति आएगा तो ज्यादा बढ़िया काम करके देगा। चलो, युवा या प्रौढ़? अच्छा चलाएंगे, युवा या प्रौढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा हो या प्रौढ़ हो, अनुभवी हो या प्रौढ़, इससे भी कोई फर्क नहीं है। कोई भी हो सकता है, बस अनुभवी हो, उसमें है ना समाज के लिए कुछ करने की चाह हो, तो वो अपने आप सारा समाज कर जाएगा। ठीक, किस तरह का मेयर चाहते हैं? जो शहर में काम कर सके, जो गंदगी या जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर कर सके, इसी तरह का मेयर चाहिए जो जो उसका कार्य है वो पूरा करे। वर्तमान मेयर से कितने प्रतिशत संतुष्ट? ठीक है, अभी उसमें और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। शेयर करना पड़ेगा, बताओ आप किसके साथ शेयर करोगे? समाज साथ। किस तरह का मेयर चाहते? स्वच्छ छवि का होना चाहिए, स्वच्छ छवि का होना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है आपको वर्तमान में जो मेयर है उनसे कितना प्रतिशत आप? मेरा कम से कम 70% मैं मानूंगा। 70% आप? जी जी जी। ठीक है, इसके अलावा युवा होना चाहिए या प्रौढ़ होना चाहिए इस बार जो मेयर? क्योंकि वर्तमान में जो मेयर है अपनी, तो तजुर्बा तो उनको भी हो गया काम करते करते। जी, ठीक है ना। अगर पुनः आती है तो देखिए, शुरुआत में पहला चांस था इनका, तो अब दोबारा ये आएंगी तो वो कुछ अच्छा ही करेगी। जी, अनुभवी या नया? अनुभवी। सर, क्या चाहते हैं इस बार, किस तरह का मेयर? इतना तो अनुभव होना ही चाहिए मेयर को, लेकिन फिरोजाबाद का क्या है कि फर्स्ट टाइम ही जो मेयर हुआ था, तो शायद आगे अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हो, अच्छे से अच्छे काम करने वाला होना चाहिए, और मेयर को आम आदमी के बारे में, जनता के बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। जी, तो वर्तमान में जो मेयर है उनसे कितना प्रतिशत आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं उनसे, और उनको यदि मौका मिलता है तो और अच्छी बात। कितना परसेंट? 75। बाकी अगर अच्छा कोई इनको रिपीट करना या नए को लेके आना, वो डिपेंड करता है कि आप बटरफ्लाई कैसी पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे लेके आए, क्या क्या चीज़ों को सुधार किया है। मेरा मानना तो यही है, मेरा सजेशन यही है कि मेयर में वो चाहता हूँ जो अपनी टीम को लेके चले, आम जनता को लेके चले, और शहर को इस तरीके से लेके आए, मैसेज जाए अन्य शहरों को। तो मुझे बहुत सारी कमियां दिख रही हैं कि अभी जो मेयर साहब का रहा है, खींचतान बहुत रहा है। इस जो 5 साल में जो रहा है, मतलब खींचतान इतना रहा है कि कहीं ना कहीं विकास को धीर रखा गया। अनुभवी है नया? अनुभवी नया भी हो सकता है अगर वो अच्छे काम करेगा। युवा या प्रौढ़? कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। महिला या पुरुष? दोनों बहुत। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हों अच्छी हों, पब्लिक को दिखाई दे। ऐसा नहीं कि सरकार को प्रचार के तौर पर दिखा दिया मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बोला, सही कह रहे हैं। पब्लिक एनालिसिस नहीं कर पाई कि साहब इसमें पैसा कम लगा है और क्वालिटी ठीक नहीं है, तो ये सवाल उठना बंद हो जाएंगे, तो मैं समझना स्टार्ट कर दूंगा कि हाँ, मेरा एक अच्छा मेयर है। क्या कमियाँ देखते हैं आप या फिर? अब मैं ये देखता हूँ, अगर जैसे सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, पहले से बहुत अच्छा दिया जा रहा है, और थोड़ा सा एक मैसेज के तौर पे पब्लिक को देना स्टार्ट कर दिया, इसमें मेरा सपोर्ट करे, सहयोग करे,
और पब्लिक भी उसको करना स्टार्ट करे, जितना सरकार करे उतना ही पब्लिक करना स्टार्ट कर देगी, तो मैं समझता हूँ मेरा शहर नंबर वन हो जाएगा और ये शहर एक मैसेज देगा और शहरों को लगातार। अच्छा हो अलवी हो इनके संदीप खड़े हो रहे हैं, अरे संदीप भी खड़े हो रहे हैं, हरिओम जी जो भी अनुभवी हो अच्छा हो कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरह का मेयर चाहते हैं, अनुभवी या नया? अनुभवी। नया तो क्या, नए के लिए फील्ड उसे समझनी पड़ेगी हर चीज़ को, अनुभवी को थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएगा और वो नहीं है वैसा होना चाहिए, समझदार हो युवा नया लड़का किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं गवर्नमेंट को, वो नया नया हुआ है लेकिन और अच्छी तरह होना चाहिए, गंदगी देखनी चाहिए, सफाई अच्छी होना चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ अटल पार्क में हमने जो आज ये सर्वे किया उसमें लोगों की क्या राय है और किस तरह का मेयर वो लोग चाहते हैं, युवा होना चाहिए, कुछ बेसिक सवाल हमने किए उनसे कि युवा होना चाहिए या प्रौढ़ होना चाहिए, हमने पूछा उनसे कि महिला होना चाहिए या पुरुष होना चाहिए, हमने उनसे पूछा कि वर्तमान में जो मेयर है उनके कारण से कितना संतुष्ट हैं, तो वो भी उन लोगों ने बताया। फिलहाल देखना ये है कि महापौर पद के लिए तमाम आवेदन हैं लेकिन उन सब में से कौन प्रत्याशी बनता है और उन प्रत्याशियों में से कौन महापौर चुना जाता है। क्या ये न्यूज़ के लिए गौरव चौहान।